कानून व्यवस्था को लेकर लगातार अनुशासन के साथ काम करने की जिम्मेदारी पुलिस को मिली हुई है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अनेक मौकों पर तीज त्योहार अलग अलग क्षेत्र में मनाने पड़ जाते हैं। विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराने पहुंचे दूसरे राज्यों के पुलिस जवानों ने अपने अनुभव साझा करने के साथ कहा कि उनके लिए सबसे पहले देश है और अपना कर्तव्य। दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और हर कहीं इसका उत्साह बना हुआ है। लोगों के द्वारा इस पर्व को मनाने के लिए काफी तैयारी की गई है। अगले हफ्ते होने वाले विधानसभा निर्वाचन के लिए बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिस की कई कंपनियां को कोरबा में नियुक्त किया गया है। ऐसे जवान इस बार कोरबा जिले में ही सामान्य तरीके से दीपावली मनाएंगे। हमने उत्तर प्रदेश से आए पुलिसकर्मियों से बातचीत कर उनके अनुभव जाने। पूरे जवानों ने बताया कि अनेक अवसर पर त्योहार के दौरान घर से दूरी बनी रहती है, लेकिन समय के साथ वे अभ्यस्त होते जा रहे हैं। सर एक बार ही मना पाए दिवाली घर पे। क्या याद नहीं आती? नहीं आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले अपना कर्तव्य तो निभाना है हमें, जिसके लिए हम भर्ती है वो कर्तव्य निभाना है हमें। सर यही है अपील अपना, कोई भी चुनाव के दौरान कोई दंगा फसाद ना हो, इसका ध्यान रखना हमें, अपने ड्यूटी पर सही से सरसा से पर देनी है, बस यही है। नहीं देखो सबको आती है याद तो, लेकिन ड्यूटी है ये तो करनी पड़ेगी। अभी बच्चे बड़े हैं कि छोटे हैं? बच्चे अभी बड़े नहीं है। फोन होना है, आज बात हुई उनसे? हाँ रोजाना होती है बात, तो याद तो आती है, लेकिन सबसे पहले अपना कर्तव्य है उसको निभाना जरूरी है। क्योंकि मैं पहले डिफेंस से बिलोंग रखता था, यहाँ तो फिर भी प्रदेश पुलिस है, अभी किसी कारण से ड्यूटी चुनाव के प्रति यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन आर्मी डिफेंस पर्सन होने के नाते हमें तो 6-6 महीना डिफेंस में हर जगह, हम देश के लिए हैं, पहले देश माहौल देश का त्यौहार है तो उसे बाखूबी निभा ले तो सब अपने लिए फिर वही त्यौहार है। पीएसी स्पेशल टास्क फोर्स बटालियन गाजियाबाद के कमांडर रविंद्र सिंह ने बताया कि देश और कर्तव्य प्राथमिकता क्रम में शामिल है, इसलिए जहाँ उपस्थिति होती है वहाँ त्यौहार मना लिया जाता है। हम तो सभी त्यौहार जो है हर्षोल्लास से ही मनाते हैं, दीपावली होली ईद जो भी ड्यूटी होती हैं, देश के लिए जो है भर्ती हैं तो देश की पहले जो भी त्यौहार हैं उन्हें शांतिपूर्ण कराना हमारा जो है कर्तव्य है। घर की याद नहीं आती है बच्चों की? जहाँ रहते हैं वो हमारा घर है, अब छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ हमारा घर है। खासतौर पर पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के मामले में जीवन में इस प्रकार के अनुभव अक्सर आते रहते हैं, जबकि त्योहार पर उन्हें घर से दूर रहना होता है। देश और समाज के लिए काम करते रहने से यह वर्ग समय के साथ इस तरह की परिस्थितियों के साथ खुद को समायोजित कर लेता है, इसलिए धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में आम नागरिक पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ अपने सामाजिक सरकार का प्रदर्शन करने को लेकर आगे आ रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए पवन तिवारी की रिपोर्ट।